दोस्तों, स्पीडो मैच जो कवर करने वाले, जो कि अब से सिर्फ कुछ ही दिन में ये मैच स्टार्ट हो जाएगा, कुवैत और सऊदी अरेबिया के बीच मैच है और ये T20 मैच है। बहुत कम लोग ऐसे मैचेस इन्वेस्ट करते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे मैचेस खेलने से ना आपकी स्किल बढ़ेगी। ज़्यादा टाइम नहीं इस मैच के स्टार्ट होने में, 3 घंटे में मैच स्टार्ट हो ही जाएगा। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको कंफर्म बैटिंग ऑर्डर दे दूंगा, आपको लाइनअप्स भी दे दूंगा, प्लेइंग 11 भी दे दूंगा और कौन देते हैं बॉलिंग करेगा, पिच रिपोर्ट वगैरह, और फाइनल टीम 15-20 मिनट पहले ही आपको मिल जाती है, स्मॉल लीग की भी, और टिप्स भी मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लेना, फेक मत ज्वाइन करना। 33,700 से ज़्यादा लोग होनी चाहिए, ये नंबर आपको बढ़ते ही नज़र हमेशा आएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ऑफिशियल ज्वाइन करना, कमेंट बॉक्स पर लिंक भी नहीं, यहीं पर आपको फाइनल टीम दे देता हूँ, लाइनअप्स वगैरह फाइनल टीम यहीं पर मैं देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल फेक मत ज्वाइन करना, सर्च करोगे ना तो मेरे नाम से हजारों फेक चैनल जिनसे आपको दूर रहना। आपको ऑफिशियल ज्वाइन करना है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, लिंक 100% काम करता है। तो टेलीग्राम चैनल आप कमेंट बॉक्स के लिंक से करिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। 33,700 से ज़्यादा लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल, जोर से ज्वाइन कर लेना। तो ये जो मैच खेला जाएगा, सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैच है अपने इंडिया टाइम से 4 बजे स्टार्ट हो ही जाएगा और ये लोकल टाइम इनका 10:30 बजे रहेंगे सुबह का, हमारे लिए दोपहर का रहेगा, इनके लिए सुबह का 10:30 बजे रहेगा। ये मैच कतर में खेला जाएगा, ध्यान रखिएगा, सेम विकेट में कतर में मैच खेला जा रहा है, पूरा मैचेस कतर में ही है, ठीक है। वही डोहा विकेट में मैच खेला जाएगा एंड एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। आप एक बार इनका पिच रिपोर्ट भी देख लो, कैसा पिच रिपोर्ट है। ये जो विकेट है बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लास्ट जो 13 मैचेस खेले गए उसमें से पहले बॉलिंग करने टीम ने 7 मैचेस जीते, यानी कि जो टीम पहले बॉलिंग की है ना टॉस जीतकर, 13 में से वो 7 मैचेस तो पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने ही जीते है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो बाकी जो 6 मैचेस है वो जीते गए पहले बैटिंग करते हुए, हालांकि ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, बट फिर भी बॉलिंग थोड़ा सा यहाँ पे बॉलिंग को ज्यादा फेवर कर रहे, पिच यहाँ पे एवरेजली रन 122 ही बन पा रहे, जबकि अगर अच्छा विकेट रहता 150-160 ऐसे होना चाहिए था, बट 122 रन ही बन पा रहे, इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है कि ज्यादा स्कोर ना बने, हालांकि दोनों अच्छी टीम है, कतर तो और स्ट्रॉन्ग टीम है, सऊदी अरेबिया भी सही है, बारिश के कोई चांस नहीं है, वेदर रिपोर्ट एकदम क्लियर, मतलब कि क्लियर वेदर है, कोई भी ऐसा बारिश का अपडेट नहीं है, बारिश तो मेरे यहाँ है। उसके अलावा बेस्ट एंड इसके अलावा बात करते हैं, जो ये विकेट है क्रिकेट स्टेडियम, इसके रिकॉर्ड्स एक बार देख लो, अभी तक यहाँ पे 13 मैचेस खेले जा चुके हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, जो टीम पहले बैटिंग की वो 6 मैच जीती, ये भी पहले आपको बता चुका हूँ, जो टीम पहले बॉलिंग की है 7 मैच जीती, इनके विनिंग चांसेस आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे कि इतने इतने विनिंग चांसेस है, थोड़ा सा बॉलिंग करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे टीम। फर्स्ट इनिंग 122 बन जाते, सेकंड इनिंग था चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, उसके लिए टोटल यहाँ पे जो लोएस्ट यहाँ पे बना है ना, एक मिनट लो, हाईएस्ट लोएस्ट था रिवर्स हो गया इसके लिए, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आप मान के चलिए यहाँ पे हाईएस्ट है, हाईएस्ट यहाँ पे 201 रन बना है इस विकेट पे अभी तक, और लोएस्ट 96 मरे है। उसके अलावा चेस जो अभी तक लोएस्ट किया जा चुका है 182 यहाँ पे चेस हो चुका है, सबसे कम यही रन चेस हुआ है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिफेंड अगर आप देखोगे तो अभी तक लोएस्ट डिफेंड की हम बात करें तो ये जो लोएस्ट डिफेंड है 134 पे 6 विकेट के नुकसान पे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड बात करते हैं कुवैत का जो लाइनअप क्यों होनी चाहिए, प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर साथ, जो बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर, एक बार देख लो, मिद वावेसर ओपन करेंगे, रविजा के साथ ओपन करेंगे, धोनी जबरदस्त प्लेयर, मिद वावेसर तो पावर हिटर है, रविजा एक इनफॉर्म प्लेयर है, मिद वावेसर भी इनफॉर्म प्लेयर, क्लिंटो जो कि ज्यादा मैचेस खेला नहीं है लेकिन टीम से वंडा बैटिंग कर रहा है, उस्मान घानी फोना बैटिंग कर रहा है, ये वाला उस्मान घानी नहीं अफगानिस्तान का जो टीम से कॉन्स्टेंट प्लेयर माना जाता है, वो ये नहीं है, बिलाल ताहिर फिना बैटिंग हमेशा करता है ठीक ही ठाक ही, यासिन पटेल वगैरह, मोहम्मद असलम बॉलिंग अच्छा करता है, बैटिंग सौंप मत की, इलास अहमद है, सिराज खान है, सैद मुनीब है, मोहम्मद साफिक भी अवेलेबल है। तो ये है कुवैत का लाइनअप, सब एक बार देख लो। उसके लिए सऊदी अरेबिया के देखते तो अब्दुल वाहिद ओपन करे, फैजाल खान के साथ ओपन करे, सैद खान जो कि वरना बैटिंग करे, उमर असारिफ जो कि टीम से फोना बैटिंग कर रहे हैं, अब्दुल मनान अली जो कि टीम से फिदना बैटिंग कर रहे, मोहम्मद हिसाम शेख जो कि टीम से कैप्टनसी कर रहे और सिकना बैटिंग करेंगे, मोहम्मद खालिदर मुस्तफ़ा जो कि सैदना बैटिंग करेंगे, बाकी सब बॉलर ही है, सब खुद भी जैसे अब्दुल वाहिद भी अवेलेबल है, इनफॉर्म बॉलर है, हासिब गुफुर जो कि टीम तो ठीक है, और उसके अलावा जून अब्दुद्दीन इनफॉर्म, मतलब टीम से विकेट टेकिंग नेचर का बॉलर है टीम से, उसके अलावा इस्तीक अहमद जो कि इस मैच के लिए अवेलेबल है। तो ये सऊदी अरेबिया के लाइनअप से और यही कुवैत का, बस 3 घंटे में और ज़्यादा कुछ नहीं, स्टार्ट दूंगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं स्टार्ट के पीछे कभी नहीं पड़ता, टाइम वेस्ट है स्टार्ट, इसके लिए हर एक प्लेयर को अच्छे से जानते, तो स्टार्ट बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना सही नहीं, सब कुछ सेम है, विकेट भी सेम है,
बात करें विकेट कीपर से लेकर, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर देना, हर एक मैच का वक्त है तो प्लीज वीडियो को जूस लाइक कर देना, वो छोटा सा लाइक का बटन है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब ऑल पर सेट, आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बात करें विकेट कीपर सेशन, पहली बात तो मैं लॉस, तो चलो विकेट कीपर फटाफट से क्लियर करते, ये मना नाली वगैरह सबसे, बट मित भावी सर की बात अलग है, हर वीडियो में क्या बोल देता, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, मित भावी सर जबरदस्त प्लेयर है, ये नीचे कोई खास नहीं, उस्मान खान ही है, मनान अली है, ये मनान अली एक अच्छा ऑप्शन है, बस मैं कहना चाहूँ अब्दुल मनान अली को कवर कर सकते, सेकंड बेटर ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप स्मॉली ग्रैली खेल रहे हो, ग्रैली टू कैप्टन करो, स्मॉली में पिक करना पड़ेगा अमित भावी सर, क्योंकि हमेशा मेरे को पिक करता हूँ। और उसके अलावा अब्दुल वाहिद, देखो पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना, दो अब्दुल वाहिद है, दो उनमें से भी क्लियर कर, एक है अब्दुल वाहिद, एक ओपनर है टीम 10 से और एक टीम से बॉलिंग करता है, अभी एक आपको इधर सेक्शन में मिल जाएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो गया था, बट ये टीम से बॉलिंग करेगा और ये ओपन करेगा, ध्यान रखें अब्दुल वाहिद ओपन करेगा, 95% सिलेक्शन है, बट मैं थोड़ा लॉस के लिए जाना चाहूंगा, रबीजा कवर कर लो, नीचे देखोगे क्लिंटो, आप ग्रैली टीम ट्राई कर लीजिए, क्लिंटो जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है, वरना बैटिंग कर रहा है, बीता है नीचे बहुत बैटिंग है, फिर ना बैटिंग बॉलिंग करेगा नहीं, तो आप फैजाल खान अब्दुल को पिक कर सकते हो, मैं अब्दुल को पिक कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, अब्दुल वाहिद को आप फैजाल खान को भी पिक कर सकते हो फिलहाल को, अभी अब्दुल के साथ जाते बहुत लोग टीम मिल जाएगी, तो अगर ड्रॉप देखो रवीजा को ड्रॉप मत करो, फैजल खान को ड्रॉप कर सो, रवीजा को मत करो, उसके अलावा ए द्रासा है नहीं रहेगा तो पिक कर लेना, मोहम्मद असलम इंपॉर्टेंट रहेगा, ए वाहिद इंपॉर्टेंट है टीम से, हासिम से एक जबरदस्त प्लेयर टीम से, विकेट टेकिंग प्लेयर, विकेट इनको मिल ही जाता है, मोहम्मद हासिम से एक अवेलेबल है, कन्फर्म कैप्टनसी करते अच्छे है, मिडल ऑर्डर बैटिंग भी करते हैं, उसके अलावा यासिन पटेल वगैरह साइड रखिएगा मैं फिलहाल के लिए, जेड अलमुद्दीन अच्छे ऑप्शन है टीम से, शायद मोनिम सबसे कुवैत का मेन बॉलर यही है, उसके अलावा एम साफिक अच्छा प्लेयर है, नीचे सारिफ भी अच्छा प्लेयर है, और उसके नीचे स्कोर डाउन करोगे आई एम, मतलब जो तीन प्लेयर्स बचे हुए ना आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो तीन प्लेयर्स लेने आप किसको पिक करना है, अब जो तीन प्लेयर्स लेने हैं अब फोर फोर के, देखो बहुत लॉजिकल टीम है, चार इधर से लिए चार इधर से लिए, तो बहुत लॉजिकल टीम बनी, इसीलिए की कैसी सिलेक्शन इस पर टीम, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है आपको दूंगा, जिससे आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए, आपको पॉइंट्स से मतलब है, तो देखो एम साफिक मैं जनरली हर मैच पिक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा मेरे लिए स्कोर नहीं कर पा, मतलब कुछ ज्यादा मतलब पॉइंट्स दे नहीं पा रहा है, तो मैं इस मैच में कवर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस मैच में विकेट लेके दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत मैं ट्रस्ट कर चुका हूँ, अभी तक तो फ्लॉप किया है, बट फिर आज मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ एम साफिक के ऊपर, तो ये पहला रिस्क हो गया। दूसरा यहाँ पे लोग ट्राई कर रहे हैं टीम 10 से, देखो सिलेक्शन में इस पर तो नहीं जाऊंगा, मोहम्मद कलिंदर मुस्तफ़ा जो कि टीम 10 से इस मैच ट्राई कर रहे हैं, बट इनके अलावा कोई खास अच्छे ऑप्शन भी नहीं है, एक सारिफ है अच्छा है, बट इसका फॉर्म बेकार चल रहा है, इधर देखोगे यासिन पटेल बॉलिंग करता है, बट ये भी कुछ खास नहीं है, तो चाहे तो फैजाल खान को कवर कर लो, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, फैजाल खान को कवर करके चलते हैं, क्योंकि ओपनर टीम 10 से अच्छा रहेगा टीम 10 से। उसके अलावा चलो इसको भी कवर कर ही लेते हैं, लास्ट में दो विकेट लिया था, चलो कवर करना कर ही लेते हैं, ओवरऑल टीम बन चुकी है स्मॉल की 6-5 का कॉम्बिनेशन, देखो बहुत सेफर टीम भी बनाई, एक दो रिस्क लिया, लेकिन ये रिस्क बहुत बेनिफिट्स ले, मतलब बेनिफिशियल रिस्क आपके लिए, जो मुझे बहुत परफेक्ट सा लग रहा है स्मॉल के लिए टीम, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ऐसे टीम बाकी एप्स पे भी बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन कैप्टन बात करें तो दो ग्रैली खेल रहे हो तो आप एस सैयद मुनी वगैरह को कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं करा है बंदा, तीन तीन विकेट लेने ले लेता है एक मैच में, तो इन सबको ट्राई करना ग्रैली की टीम है, मित भावी सर को ट्राई करना और रवीजा को करना, ये लोग को ट्राई नहीं कर रहे ग्रैली की टीम, आप ट्राई करो एज ए कैप्टन में। देखो हासिम से क्या है कि टीम से बॉलिंग अच्छा करता है, बैटिंग से उतना मुझे जो खास उतना होप तो रहता बॉलिंग लेके अच्छा करता है, ये दोनों है ना बॉलिंग सिर्फ अच्छा करता है, अगर आपको लगता है कि नहीं वैसे बॉलिंग फ्रेंडली विकेट, इसलिए मैं इन दोनों के साथ एज ए कैप्टन कैप्टन जा रहा हूँ, कोई ज्यादा खास मुझे शौक नहीं है, अगर थोड़ा सा पिच बैटिंग फ्रेंडली तो मैं मित भावी सर और या रवीजा वगैरह को ट्राई करता, पिच बॉलिंग है इसलिए मैं दोनों के कैप्टन को ही ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। हासिम से कैप्टन, वाइस कैप्टन मोहम्मद असलम जो कि टीम से बॉलिंग भी करेगा, दोनों बैटिंग ठीक ठाक नहीं करते लेकिन बॉलिंग दोनों बहुत अच्छे करते हैं, बस फर्क यही है, सैयद मुनीम सबसे बेस्ट बॉलिंग करते हैं, तो आप चाहो तो सैयद मुनीम जलुद्दीन को ट्राई कर सकते, इन दोनों ग्रैली ट्राई कर लेना, कैप्टन कैप्टन दोनों बहुत अच्छे बॉलर्स है, इसलिए ट्राई किया मेन, मैंने इसलिए चार बॉलर्स को कवर किया, बॉलर पे रिस्क नहीं लिया हूं मैं, सेम से कॉन्टेस बुक कर दो सेम टीम के साथ, स्मॉलिंग की परफेक्ट टीम है, मैं मिलता हूं टेलीग्राम पे पॉइंट टीम के साथ, स्क्रीन शॉट लो जाके कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो ऐसे मैचेस पे, आप मजे के लिए खेलो अच्छे रहेंगे आपके लिए, हालांकि मैचेस अच्छे रहते बहुत कम मैचेस ऐसे लोग कवर करते, बट मैं बोल रहा हूँ ऐसे अच्छे से इन्वेस्ट तो क्या करो, बट मेन ग्रैली टारगेट किया करो, ग्रैली वगैरह अच्छे रहते हैं, एक दो चेंजेस करोगे इजिली ग्रैली क्रैक करोगे, स्मॉलिंग के लिए परफेक्ट टीम मिलेगी कुछ भी कहो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, बाकी मैं मिलता हूँ टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, जाए कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है।